हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रानी और आप देख रहे हैं रानी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी घर पर ढुसका कैसे बनाए। तो ढुसका है वो झारखंड का बहुत ही फेमस रेसिपी है, तो इसी बात पे आप कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। तो आज है वो आप ढुसका बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं ली हूँ 1 कटोरी उड़द की दाल, 3 कटोरी अरवा चावल और 1 कटोरी चने की दाल। आप क्वांटिटी है वो अपने अनुसार रख सकते हैं। आप 2 कटोरी चने की दाल, 2 कटोरी उड़द की दाल, 6 कटोरी अरवा चावल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी अपने अनुसार ली हूँ, तो इसे एक कंटेनर में आपको रख लेना है। मैं यहाँ पे एक कंटेनर भी ली हूँ, उसमें आपको डालते जाना है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे उड़द दाल को, चने दाल को, चावल को डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें पानी ऐड करनी है और इसे अच्छे से वॉश कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसमें पानी है लगभग 1 लीटर डाल देनी है, ताकि अच्छे से हमारी जो चावल दाल की मिक्सचर है वो सोख हो जाए, अच्छे से भींग जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं पानी डाल चुकी हूँ। अब आपको लेना है एक ढक्कन और इसे कवर कर देनी है। तो इसे आपको 2 से 3 घंटे तक के लिए कवर करके रखनी है। बहुत लोग हैं वो ढुसका बनाने के लिए, इसकी चावल है वो भीगने के लिए रात को ही रख देते हैं, सुबह में बनाते हैं। लेकिन आप इसे 2 से 3 घंटों तक के लिए रखेंगे तो भी ये अच्छे से सोख हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, इसे 2 से 3 घंटों तक के लिए छोड़ देना है। जब तक हमारी चावल है वो सोख हो रही है, तब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। देख सकते हैं चावल है वो अच्छे से सोख हो चुकी है। तो अब आपको लेना है मिक्सचर ग्राइंडर की जार और इसमें चावल को डालनी है, थोड़ी थोड़ी इसमें पानी भी डालनी है और आपको इसे पीस लेना है। तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस है, आपको मीडियम रखनी है, ज़्यादा पतली नहीं करनी और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करनी है। उसके बाद आप इसे एक कंटेनर में ले और इसमें डाल ले थोड़ी सी मंगरेला और जवाइन। आप इसे अच्छे से रब कर ले और आप इसमें थोड़ी सी सॉल्ट डाल दे, स्वाद अनुसार डालना है आपको। यहाँ पे आप कलर लाने के लिए हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा डालना है तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करती है। मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रही हूँ। और इसे आप को अच्छे से मिक्स करनी है। मिक्स करने के बाद आप इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए छोड़ दे। तो इसकी थिकनेस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है, बैटर है वो बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। तो आप इसे देखिए इस तरीके से आपको रखना है मीडियम में। अब आपको लेनी है कढ़ाई और गैस को ऑन करनी है और कढ़ाई को चढ़ा देनी है गैस पे। उसके बाद इसमें आपको डालना है रिफाइंड ऑयल या जो भी तेल आप यूज कर सकते हैं उसको आप डाल सकते हैं। तो हमारी जो तेल है वो गर्म हो चुकी है, देखिए इस तरीके से गैस की फ्लेम है वो मीडियम रखनी है। तेल गर्म होने के बाद आपको लेना है एक करछी और एक स्पून लेनी है, उसकी हेल्प से आपको बैटर को उठाना है और कढ़ाई में डालनी है। तो आप इसे इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ उस तरीके से आपको डालनी है और आपको गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम ही रखनी है। तो इस तरीके से सभी बैटर को आपको डाल देनी है। एक बार में आप 3 से 4 ढुसका को डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डालनी है और आपको इसे 3 से 4 मिनट तक के लिए पकने देनी है। फिर आपको इसे दूसरी तरफ पलट लेनी है। दूसरी तरफ पलटने के बाद आपको इसे सुनहरा होने तक पकने देनी है। तो आप देख ले कि दोनों साइड है वो अच्छे से पक गई है या नहीं। अगर पक गई है तो आपको ढुसका को निकाल लेनी है। तो सभी ढुसके को इसी तरीके से बनानी है आपको, और गैस की जो फ्लेम है वो आपको ऑफ कर देनी है ढुसका बनने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सभी ढुसका बन चुकी है। तो आज की वीडियो में आपने सीखा ढुसका कैसे बनाए। तो आप ढुसका को गर्मे गर्म चने आलू के सब्जी के साथ या आलू दम के साथ या आलू मटर की सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो धनिया पत्ते की चटनी के साथ भी गर्मा गर्म ढुसका को खा सकते हैं। बहुत कोई तो इसे चाय के साथ भी खाते हैं, लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे सब्जी के साथ ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।